हेलो एवरीवन एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियोस, बट अब हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे. और वेलकम टू माय चैनल दैट इज इनसाइटफुल एजुकेशन. और आज जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में. अब इस टेंस के बारे में हमें ये समझना है कि ये है क्या और ये किसके बारे में बताएगा. तो सबसे पहले आप इसका नाम ही देख लीजिए, इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस मीन्स जो काम कंटिन्यूएशन में है, जो एक्शन कंटिन्यूएशन में है, उसको ये जो टेंस है वो दिखाता है, डिनोट करता है. तो इसकी कुछ पहचान होती है जब हम कोई काम कर रहे हैं. अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा कुछ आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है. मतलब जो काम प्रेजेंट में भी चल रहा है. और जैसे कि अगर कोई बैठा है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर कोई बैठा है तो बैठने के लिए वो अभी अभी प्रेजेंटली माने अभी फिलहाल वो बैठा है, तो अभी वो बैठने का काम कर रहा है, तो उसके लिए भी हम इसमें बैठ रहा है नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में ये काम चल रहा है. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका रूल क्या होता है. जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके एंड में, किसी भी सेंटेंस के एंड में, जैसे भी आप हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो एंड में जब रहा है, रही है, ऐसा कुछ आता है, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का. और अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा हो कि रहा है, रही है, हर बात में नहीं आता है, तो ऐसा कोई काम जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो है वो अभी जो काम कर रही हूँ उसके लिए मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया और मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया. वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग. तो उसी तरह से हम चलते हैं अपने चैप्टर पर. तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है, इट डिनोट्स द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. मतलब ये एक ऐसा कार्य दिखाता है, ऐसा एक्शन हमें दर्शाता है जो कि प्रेजेंटली हो रहा है. तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इसमें लगती है इज, एम एंड आर. और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा जो होता है वो रूल होता है. अब हमें ये भी जानना है कि ये जो इज एम आर तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो तीन हेल्पिंग वर्ब लगेंगी किसके साथ, एक सेंटेंस में तो तीनों का यूज नहीं होगा. तो हमारा सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि सब्जेक्ट अगर हमारा आए है तो आए के साथ लगेगा एम, क्या लगेगा, एम. और अगर हमारा सब्जेक्ट इज है तो हमारा लगेगा ही शी इट के साथ. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही शी और इट है तो उसके साथ लगेगा इज. इनके अलावा अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन जिसका मतलब होती है, होता है कि अगर कोई एकवचन, एकवचन मींस अगर मैं किसी एक इंसान के बारे में बात कर रही हूं या फिर किसी एक, जैसे नितिन इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो नितिन के साथ इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल है, क्योंकि वो अकेला है, इंडिविजुअल है, इसीलिए हमने सिंगुलर वो नाउन है. अगर प्रोनाउन बोले बोले तो ही शी इट और दिस दैट, इन सब के साथ भी हमारा इसका यूज होता है. अब हमारा आता है आर. आर के साथ किसका यूज होता है, ठीक है, तो आर के साथ हमारा यूज होता है यू, वी, दे, दीज, दोज,
या फिर कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, माने यू तुम के साथ होगा, वी माने हम, दे माने वे, और दीज माने कोई नॉन लिविंग थिंग जो होती है उनके लिए हम दीज माने ये सब चीजें, दोज वो सब चीजें, और प्लूरल नाउन मीन्स कोई भी, जैसे नितिन एंड सोहम आर प्लेइंग, ठीक है, तो दो लोगों के लिए आर का यूज होता है, और प्रोनाउन है तो दो, जैसे यू के लिए, वी, दे, इन सब के लिए किसका यूज होगा, आर का। अब फटाफट से हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हम हिंदी में कुछ वाक्य जब हम यूज करते हैं, जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, तो मैं अभी जाऊंगा खेलने, इसी का मतलब ये है, या फिर मैं अभी जा ही रहा हूं तो उसका मतलब ये है। ऐसे आप घर में बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज करते हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं टेम्पल जा रहा हूं, आप बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो उसी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मेरी बहन खाना बना रही है, तो अब जो मेरी बहन है वो इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम करेंगे माय सिस्टर। अब मेरी बहन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन है जिसको हम बोल सकते हैं, बेसिकली वो नाउन ही है, ठीक है, तो माय सिस्टर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ लगेगा इज। अब खाना बनाने के लिए हम कौन से वर्ब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कुकिंग, ठीक है, तो हम करेंगे माय सिस्टर इज कुक, कुक के साथ मैंने कहा था आपको ing लगेगा, तो कुकिंग फूड, इस तरह से ये सेंटेंस जो है हमारा बनेगा। हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कार चला रहा हूं, तो आप अगर आपने ये कहा मैं कार चला रहा हूं, या हम यूज भी कर सकते हैं चलाना सीख रहा हूं, ठीक है, तो मैं के लिए लगेगा आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, आई एम लर्निंग, क्योंकि सीख रहा हूं, सीखना यहां पर लर्निंग। अब जहां पर दो वर्ब आ जाती है, जहां पर दो वर्ब आ जाती है, आप उन दोनों वर्ब्स को इकट्ठे नहीं लिखोगे, यहां पर चलाना भी एक वर्ब है, यहां पर सीखना भी एक वर्ब है, तो हमारा चलाना और सीखना हम एक साथ नहीं लिख सकते, हम करेंगे लर्निंग टू। अब कार चलाने के लिए किस वर्ब का यूज होता है, ड्राइव का, आई एम लर्निंग टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना सीख रहा हूं। तो कभी भी जब दो हमारे वर्ब्स आते हैं, जैसे कि यहां पर लर्निंग और ड्राइव, और दूसरी बात यह कि एक बार हमने आईएनजी फॉर्म यूज कर लिया है, उसके बाद हमारा एक सेंटेंस में दोबारा आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा अगर वो वर्ब है तो, ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखिए, कभी भी आप जब टेंस सीखते हैं उसे बोलने के लिए आपको उसे प्रैक्टिस में रखना पड़ता है, आप अपने माइंड को ऑलवेज ऑन मोड में रखिए, कोई भी सेंटेंस आपके सामने इनसे रिलेटेड आता है, फर्स्ट आप अपने दिमाग में उसे कन्वर्ट करिए, आप कहीं जा रहे हो, आप कोई बातें सुन रहे हो, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, सेकेंड थिंग आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे जिससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी, ठीक है, तो ये जो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म होता है। थैंक यू।